ये देखिए लग रहा है ना एकदम सुंदर। इतनी सुंदर डिश अगर आप बनाएंगे तो बच्चे क्या बड़े भी झट से ही चट कर जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हेल्दी रवा ढोकला बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी, जो कि देखने में इतनी अट्रैक्टिव है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बनाना इसको बिल्कुल ही आसान है। इतनी कलरफुल डिश देख कर बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। साथ ही ये ढोकला बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, इसमें हमने वेजीज मिलाई हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस ढोकले को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले लिया मैंने, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप सूजी यानी रवा, जिसको सेमोलिना भी बोला जाता है, नॉर्मल वाली सूजी है। साथ ही में इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब नमक। नमक आप स्वाद अनुसार अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून के करीब में चीनी, बहुत ही कम चीनी इसमें जाती है। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 कप के करीब दही। ये दही मेरा बहुत ज़्यादा खट्टा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी मिला दिया, आप नॉर्मल दही यूज़ कीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से अब हम मिक्स कर देंगे, और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसका हमें एक गाढ़ा सा घोल बनाना है। पानी की क्वांटिटी सूजी के ऊपर भी डिपेंड करती है, आप किस तरह की सूजी ले रहे हैं, इसलिए पानी कम ज़्यादा हो सकता है। आपको इस तरह का घोल इसका बना के तैयार कर लेना है। और अब हम क्या करेंगे, इसको ढक देंगे और ढक के इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट होने देते हैं, जिससे सूजी अच्छी तरीके से फूल जाएगी। तो जब तक ये रेस्ट होता है, तब तक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगे और इसी तरह के और भी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, उसके बाद इस घंटी को दबाना है। ऐसा करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, बिल्कुल फ्री है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसमें अलग अलग कलर बनाने के लिए एक गाजर को मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के। 1 गाजर सफिशेंट होगी, जो ऑरेंज वाली गाजर होती है वो मैंने यूज़ करी है। और साथ ही में ग्रीन कलर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हरे धनिया की चटनी बनाई है। ये चटनी बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, और एंड स्क्रीन पर इसकी पिक्चर लगी होगी, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। आप चाहो तो इसकी जगह पे पालक की प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको डालने के बाद में हमको अलग से चटनी लेने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, दोनों फ्लेवर इसी में अच्छे तरीके से आ जाएंगे। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं और ये सूजी भी अच्छे तरीके से फूल गई है। तो अब यहाँ पर मैंने 3 कटोरियाँ ले ली हैं, और इसको अब हम 3 समान हिस्सों में बांट देंगे। कोशिश कीजिए कि इसको बिल्कुल बराबर ही रखें आप, तो अच्छी तरीके से लेयर्स इसकी बनेगी। तो ये इस तरीके से मैंने 3 कटोरियों में निकाल लिया है। अब यहाँ पर जो ग्रीन वाली चटनी मैंने ली है वो 1 पोर्शन में मैं मिला दूँगी। पहले आप मिला लीजिए, उसके बाद अगर आपको गाढ़ा लगेगा तो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आप पानी मिला के एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छी तरीके से ये मैंने मिला दिया है। आप चाहो तो इस तरह का जो फूड कलर आता है एकदम ज़्यादा ग्रीन कलर, अगर आप चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, बट ऑर्गेनिक वाला ही यूज़ कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा ग्रीन पेस्ट बनके तैयार हो। अब हम ऑरेंज वाला पेस्ट बनाएंगे। तो ये जो हमने गाजर पीस के रखी हुई थी ये हम इसके अंदर डाल देते हैं, और अच्छे से इसको भी मिक्स कर देंगे। इसमें मुझे पानी की ज़रूरत नहीं लग रही है तो मैंने इसमें नहीं डाला है। जो वाइट वाली लेयर हम बनाएंगे उसमें हम सिंपल ही पानी बस मिलाएंगे और अच्छी तरीके से इसको घोल के तैयार कर लेंगे। तो ये 3 बैटर हमारे तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है ढोकला बनाने के लिए, आप चाहो तो कोई टिफ़िन भी ले सकते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से ऑयल लगा लेंगे और ग्रीस कर लेंगे। इसको बहुत अच्छे से ग्रीस करना ज़रूरी है, नहीं तो ये चिपक भी सकता है इसमें। तो ये अच्छे से ग्रीस हो गया है। अब यहाँ पर मैंने ऑरेंज वाला मिक्स ले लिया है, और इसके अंदर अब मैं मिलाऊंगी इनो। यहाँ पर मैं लगभग 1/4 टीस्पून के करीब इनो मिला रही हूँ इसके अंदर, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और तुरंत ही इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। हल्का सा इसको स्प्रेड कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले से कढ़ाई में पानी गर्म होने रख दिया था, पानी अच्छे से उबल रहा है। अब इसके अंदर हम ये अपना ढोकला रख देंगे और ढक देंगे। इसको करीबन हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। हर लेयर को हमें 5 मिनट के लिए पकाना है। फ्लेम आपको मीडियम और फुल के बीच में रखनी है। तो ये जब तक पकता है तब तक हम वाइट वाली लेयर में इनो मिक्स कर लेंगे। उतना ही इनो मैंने लिया है 3 लेयर्स में, 1/4 टीस्पून के करीब। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे,
और जब 5 मिनट हो जाएंगे, तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, इसको हल्का सा चेक करेंगे तो ये अच्छे से थोड़ी सी फर्म हो गई है, ऊपर से गीली नहीं है। इस टाइम पर हम इसके अंदर ये वाइट वाली लेयर डाल के इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, अच्छे से फैला देंगे सब तरफ से, और इसको भी अब हम ढक देंगे और 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। हर लेयर को हमें 5 मिनट पकाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब तक ये लेयर पकती है तब तक हम ग्रीन वाले में भी इनो मिला लेंगे। इनो मिलाने के बाद में आपको रखना नहीं है, तुरंत ही आपको इसके ऊपर स्प्रेड करना होगा, इसीलिए इनो तभी मिलाएं जब 5 मिनट होने वाले हों। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया, फूल गया है, और यहाँ पर 5 मिनट भी हो चुके हैं। अब हम ये ग्रीन वाली लेयर इसके ऊपर फैला देंगे और ढक देंगे इसको। अब जो लास्ट वाली लेयर है वो डालने के बाद में आपको पूरे ढोकले को करीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको चेक कर लेते हैं। आप कोई भी चाकू या टूथपिक लेके इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ आई है, इसका मतलब कि ये पक चुका है। अगर ये इसमें आपका बैटर थोड़ा चिपक के आ रहा है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए और पका लें। अब इसको हम निकाल लेते हैं इसमें से, इसको हमें 10 मिनट के लिए ठंडा होने देना है। तो यहाँ पर ये 10 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको साइड से स्क्रेप कर लूँगी इस तरीके से चाकू की सहायता से, और इसको हम इस तरीके से प्लेट पे उल्टा करके निकाल लेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मैं आपको किनारे भी दिखा देती हूँ। अब हम इसको अच्छी तरीके से काट लेते हैं, जिस शेप में आपको काटना हो उस तरीके से आप इसको काट लें। और ये देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कितना सुंदर लग रहा है, एकदम फ्लफी बना है, अच्छी तरीके से जालियाँ भी पड़ी हैं इसके अंदर, और सॉफ्ट भी है हमारा ढोकला। तो अब ढोकले के लिए हम तड़का बना लेंगे। 1 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने तेल गर्म होने रख दिया था। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून के करीब राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स, और इसको अच्छे तरीके से तड़कने देंगे। तो जैसे ही तड़क जाएगा उसके बाद मैं थोड़ी सी मैं हींग डाल रही हूँ, और बस हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये तड़का इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। ये लीजिए तैयार है हमारा तिरंगा ढोकला। देखने में जितना टेम्पटिंग है खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी है। एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको पसंद आएगा। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी बताइएगा ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करके, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। और अगर इस तरह की आप और भी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, उसके बाद इस घंटी को दबाना है। ऐसा करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।